धनबाद से बनारस जा रही एक हुंडई कार ने 12 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया है। अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जालान अस्पताल में जमकर हंगामा किया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हंगामे की सूचना पाकर धनबाद थाना की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। बच्चे के आश्रित परिवार को मुआवजा सहित आरोपी चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। सड़क दुर्घटना का यह मामला घटना हरिहरपुर थाना अंतर्गत सिंगडी पंचायत क्षेत्र का है। सुबह में तेज रफ्तार के साथ हुंडई कार धनबाद की तरफ से आ रही थी। सिंगडी के पास जीडी रोड पर कार रॉन्ग साइड से आगे बढ़ रही थी, तभी डिवाइडर के पास खड़े 12 वर्षीय मोहम्मद सरफराज नामक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दुर्घटनाग्रस्त कार से बच्चे को लेकर जालान अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोग मुआवजा तथा कार चालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धनबाद पुलिस कार जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या हुआ, क्या मामला? ये थाना सूचना मिली कि गोमल थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी हुंडई एक बच्चा को मार दिया है। एक्सीडेंट किया है, वो बच्चा को लेकर आ रहा था जान भर्ती कराने के लिए, रास्ते में उसे मार दिया। लॉन्ग टर्म की गाड़ी जा रही थी और बच्चा को मारे भरवे से लड़का सुरभान नाम का जवान ने लड़का को गाड़ी पकड़ा गई है। जरंग में थाना में ले जाएंगे, पेश कर रहे हैं। इसके धन्यवाद कितने साल का बच्चा है? जो विजय शर्मा के एक्सीडेंट कराई थे जिसका गाड़ी लोग गाड़ी मालिक पकड़ेगा। गाड़ी पकड़ा गई है तो मालिक ये गाड़ी जब पकड़ा गई है तो मेन तो गाड़ी आएंगे, मालिक खुद आएगा, चालक खुद बताएगा कौन चालक। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।